अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद सब कैरियर से होंगी। आज काफ़ी दिन बाद व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। बिज़ी हो गई थी थोड़ी सी काम के अंदर, और जो है वो एक शादी भी आ रही थी उसकी, जो है साथ शॉपिंग भी चल रही थी, कुछ और घर की एक्टिविटीज़ थी। तो बस ये दो दिन का व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये आज जो है मैं ग्रोसरी के लिए जा रही हूँ, तो ग्रोसरी शॉपिंग होगी, इसके साथ फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग होगा। उस दिन मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें बड़ी मज़े मज़े की रेसिपीज़ होंगी। अच्छा, शॉपिंग जो है ना, हम मोस्टली जो है संडे को फ्री होते हैं, तो संडे को करने के लिए निकलते हैं। तो हमारा जो टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग होता है, तो उस वक्त जो है ना सिर्फ मेट्रो ही खुला होता है। इस दफ़ा भी हमारा प्लान था कि हम जो है ना किसी जो है नियर बाय स्टोर से बाय कर लें, लेकिन जो है ना सारे स्टोर्स 12 या 2 बजे के बाद ही खुलते हैं वीकेंड पर। तो ये खैर जो है ना सुबह खुल जाता है 10 बजे के अराउंड। तो फिर हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो यहाँ से शॉपिंग हमने स्टार्ट कर दी है। जो भी चीज़ें हमने लेनी थी, हाईलाइट ऑलरेडी की थी, वो फटाफट से ली जी। और फिर लास्ट में हमने थोड़ी सी फ़िश बोनलेस ली। मैं रिजवान से कह रही थी कि दूसरी भी ले ले, तो वो जो है ना जाते हैं मंडी, जो बेसिकली जो इसकी फ़िश की मंडी होती है, तो वहाँ से इकट्ठी फ़िश जो है ना ले आते हैं, फ्रेश जो मिलती है। तो फिर कहते चलो बोनलेस मैं थोड़ी सी तुम्हें ले देता हूँ बनाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे रिजवान के बर्थडे भी आ रही थी, तो मेरा था कि मैं ये फ़िश भी साथ बनाऊं। तो वैसे भी आजकल मौसम बहुत ही मज़े का हो गया फ़िश खाने वाला है, तो इसलिए फिर मैंने वो भी साथ थोड़ी सी ले ली। यहाँ पे ये सूरत हाल मेरे किचन की, क्योंकि मैं सुबह जल्दी निकल गई थी और जो है नाश्ते के बाद मैंने किचन को साफ़ नहीं किया था, वो भी बहुत ज़्यादा मैस हुआ था। और फिर ग्रोसरी भी आ गई, तो सारी शेल्फें जो थी ना वो ऐसे एकदम से भर गई थी, और ऊपर से रिजवान को भूख भी लगी थी, मुझे कह रहे थे मुझे रोटी बना कर दो। तो सालन तो खैर पड़ा हुआ था, मैंने रोटी शोटी बना कर देनी थी। हादी को जो है ना आज मैं घर पे छोड़ के गई थी, और बड़े मज़े से हमने इतने सुकून से शॉपिंग की ना, रिजवान खुश हो रहे थे कि आज जो है ना हमने बड़ी रिलैक्स होकर सारी चीज़ें ले लिया। नहीं तो अब्दुल हादी होता है ना, तो फिर उसको होता है थोड़ी देर बाद एक तो भूख लग जाती, फिर होता है कि मम्मा जल्दी करो मैं थक गया हूँ ये वो, तो वो फिर ना इरीटेट होना शुरू हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे ये बास्केट मेरे ना बहुत काम आती है, इसको ऑर्गेनाइज़ करने में ग्रोसरी बड़ी ही हेल्प हो जाती है। जल्दी से बैग से मैंने फिर ग्रोसरी निकाली, और जो है सर्फ़ वाला जो चीज़ें थी, साबुन सर्फ वो अलग टोकरी में रखती है, शैम्पू वगैरह और जो है वो इस तरह से ऑयल्स जितने भी थे उनको अलग कर दिया, और स्पाइसेस वाला मैंने अलग बास्केट कर दिए जी। गाइस, तो अब किचन में कुकिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। अच्छा, चिकन मैंने अभी थोड़ी देर पहले वॉश किया, बर्तन शर्तन धो दिए, तो अभी आज में जो मैंने बनाना है वो बेसिकली है एग फ्राइड राइस है, साथ मंचूरियन होगा, साथ जो है वो कीमे के चिकन कीमे के कबाब हैं, साथ फिंगर फ्राइड फिश होगी। और जी ये नेक्स्ट डे का भी लोग है, बेसिकली जो है ना इस आज जो है ना रिजवान की बर्थडे थी, तो उसके लिए जो है ना मैं सरप्राइज़ डिनर तैयार कर रही हूँ। तो चाइनीज़ चूँकि मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैंने ओरियल का जो है चिकन मंचूरियन इस्तेमाल किया है। इसमें जो छोटे वाले पैकेट में मसाला था वो 1/2 किलो बोनलेस चिकन क्यूब्स में जो कटा हुआ था, उसके ऊपर मैंने लगा के उसको मैरिनेट करके रख दिया है। अब दूसरी तरफ इसका जो है ना सॉस मैं तैयार कर रही हूँ। 2 गिलास मैंने पानी के लिए और बड़े साशे के अज्जात जो थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं। 3 चम्मच मैंने इसके अंदर शुगर ऐड किया है, और जो है ना तकरीबन 1/2 कप जो है वो मैंने केचप का डाल दिया था, सादा ले लें या चिली गार्लिक जो भी अवेलेबल हो आपके पास ले लें। और उसके बाद जो है ना वो मैंने उसको भी रख दिया था साइड पे करके। यहाँ पे जो है ना बोनलेस चिकन जो है ना मैंने फिंगर्स में कटिंग कर लिया था। ये चिकन जो है ना मेरे बहुत काम आता है, ये चाउमीन वगैरह में डाल सकते हैं, पास्ता वगैरह में, ये कुछ और पिज़्ज़ा फ्राई जो कुछ भी बनाने हो फूड पांडा के लिए, मैंने जो है ना इसको मैरिनेट करके साथ ही रख रही हूँ, क्योंकि वो भी ख़त्म हो गया था। तो ये 1 किलो चिकन के जो है ना मैंने कटिंग कर ली थी, तो इस तरह बॉक्सेस में डाल के उसको भी रखती है। और यहाँ पे अब चाइनीज़ चूँकि राइस भी बनने हैं और जो है मंचूरियन भी, तो उनके अंदर वेजिटेबल्स जो डलनी है, सबसे पहले मैं चावलों के लिए वेजिटेबल काट रही हूँ, और बिल्कुल छोटी छोटी सी मैंने जो है ना ये कटिंग की है, पहले स्लाइस करके और फिर इस तरह शिमला मिर्च को भी इसी शेप के अंदर मैं छोटा छोटा से काट लूँगी, और उसके बाद जो है मैं बंद गोभी जो है उसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें कटिंग वाली हमारी डन होगी। हरी प्याज जो है ऑलरेडी मैंने फ्रिज में जो है ना काट के रखी हुई है। तो अब जो है ना चावल साथ उबलने के लिए रखती हैं, चावल बॉयल करके मैं साइड पर कर दूँगी, और सबसे पहले फिर जो है ना सब्ज़ियों को बनाई करके तो स्पाइसिस वगैरह डाल के तैयार करती हैं जी। गाइस, थोड़ा सा मैंने जो है ना कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है, उसके अंदर सबसे पहले अदरक लहसुन का जो पेस्ट था मेरे पास 1/2 चम्मच वो डाल के उसको हल्का सा सोटे किया, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फिर और चिकन जो था हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था मंचूरियन के लिए, उसको डाल के सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से उसकी भुनाई की थी, फिर उसको थोड़ी देर दम पे लगा दिया था ताकि गल जाए।
और अब इसके अंदर जो सॉस तैयार करके हमने रखा था केचप और का मंचूरियन वगैरह का, वो इसके अंदर ऐड कर दिए। थोड़ी देर इसको कुक करेंगे, जैसे ही इसको जो है वो हीट लगे कि ये थिक होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ मैंने कुछ जो है ना क्यूब्स कटिंग वेजिटेबल जो है ना काटे थे, इसमें प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर थे, वो भी इसके अंदर डाल दी। वैसे तो मंचूरियन के अंदर जो वेजिटेबल डालना ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जो है ना अगर डाल लें तो इसे बड़ा ही प्यारा सा कलर भी आ जाता है और अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे हमारा मंचूरियन भी आलमोस्ट डन हो गया है। अब हम चावलों की तैयारी की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा तेल मैंने सबसे पहले कढ़ाई में डाला है। इसके अंदर हम जो है ना अंडे लेकर दो उनको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ज़रदा रंग इसके अंदर डाल के अच्छे से फैंट लेते हैं इसको, क्योंकि हम एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो उसके अंदर जो है अंडों का डालना जो है बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर जो है वो लुक नहीं निकलता फ्राइड राइस का। जी तो ये अंडे हमारे जो तैयार होंगे, इसको मैंने अलग प्लेट में निकाल के साइड पे कर दिए। इसी फ्राई पैन में मैं दोबारा से तेल डालूंगी। अब इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना थोड़ा सा डाला है। तो इसमें जो है ना बेसिकली जो है ना आप चॉप जो है वो गार्लिक थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ख़त्म था तो मैंने अदरक लहसुन कम्बाइन डाल दिया है। खाली आप इसको गार्लिक भी डालकर फ्राई कर सकते हैं। हल्का सा उसको सोटे किया और साथ ही मैंने वेजिटेबल जो है वो उसके अंदर ऐड कर दिए। इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं भूनना, हल्का सा जो है ना स्टीफ फ्राई सा करना है। और साथ में इसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल रही हूँ स्पाइसेस में, और थोड़ा सा इसको साथ साथ भूनते रहेंगे। और इसके साथ मैंने जो है ना सॉसेस जो है ना ऐड की हैं, इसमें चिली सॉस गया है, सिरका गया है, और जो है वो केचप थोड़ा सा डाला है, और सोया सॉस का जो है ना इस्तेमाल हुआ है। साथ ही जो फ्राइड एग था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये हमने साइड पे कर दी कढ़ाई, और दूसरी तरफ चावल जो थे ना बॉयल ऑलरेडी हो चुके थे, उसके ऊपर डाल के इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए फिर दम लगा देंगे ताकि अच्छे से जो है ना हमारे जो चावल डन हो जाएं। जी और लास्ट में मैंने जो है ना इसके अंदर जो अनियन काट के रखा हुआ था ग्रीन अनियन वो ऐड कर दिया था, और माशाल्लाह से हमारे चावल का दम खुल गया है। दम मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाया, सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाया। और जी थोड़ा सा मैं जो है ना इसको डाल के टेस्ट कर रही हूँ ताकि स्पाइसेस में चेक कर सकूँ। और यहाँ पर जो है जनाब हमने डेकोरेशन जो है वो अपनी थोड़ी सी की थी, और जो है ना हादी ने मेरी बड़ी हेल्प की है बलून फुलाने में और सारा लगाने में। और यहाँ पे ना मैंने केक के लिए एक स्टैंड जो है ना दराज से अभी कल ही मंगवाया था, बहुत ज़बरदस्त ये निकला, इकोनॉमिकल सा था और बहुत ही प्यारा सा था। अच्छा जो फ्राइड फिश है ना, इसका मसाला लगाया था मैंने एक दिन पहले, लेकिन उसकी मैं जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। इंशाल्लाह फिर दोबारा लगाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और ये ना फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। हादी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, हालाँकि वो बड़ा चूज़ी सा है, चीज़ें इस तरह से नहीं खाता है। तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई थी, और जिस तरह मैंने इसको लगाया और इतनी क्रिस्पी ऊपर क्रम्स लगे थे ना, तो रिजवान भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने ना एक रेस्टोरेंट से खाई थी तो बिल्कुल उसी तरह के क्रम्स इसके ऊपर लगे थे, क्रस्ट बिल्कुल वैसा बना था। तो कह रहे थे कि उससे भी ज़्यादा अच्छी तुमने सलमा बना ली है फ़िश। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा तारीफ़ इसके ऊपर मुझे मिली थी, फ़िश जो है ना बड़ी अच्छी मेरी बन गई थी। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे अभी ऊपर से फिर से एप्रल पहन के, तो किचन में दोबारा से मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे बस फाइनल जो है ना गर्म शर्म कर रही हूँ चीज़ों को। जी तो फिश मैंने जो है ना फ्राई कर ली थी, फिर जो है ना मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी फ्राइज़ की। मैंने कहा पूरा जो है रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल ही होना चाहिए, फिर मैंने जल्दी से फ्राइज़ कटिंग की है और उसको जो है ना फ्राई होने के लिए रख दिया। और साथ ही जो है ना मैं चावल वगैरह भी गर्म कर रही हूँ, धीमी आँच पर रखे हुए, क्योंकि रिजवान थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो बस ये देखिए हमारा फाइनल लुक है हमारी फ़िश का, और इसके बाद जो है वो सर्व करते हैं। तो चलिए ये आपको टेबल दिखाते हैं, ये मैंने सेट कर दी हुई है। और जो है ना ये स्टैंड जो है ना केक वाला बहुत ही कमाल का है, ये हार्डली कोई 400-500 का मुझे मिल गया था, बटरफ्लाई जो है ना स्टाइल का बना हुआ है, और बड़ा अच्छा लुक इससे जो है ना निकला था टेबल पर। केक जो है ना हमने मंगवाया था रेड वेलवेट, ये बहुत ही मज़े का केक होता है। वैसे मैं जो है ना केक इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे सिर्फ यही केक पसंद है, बहुत अच्छा जो है ना मज़े का होता है। जी गाइस तो साथ अब्दुल हादी ने जो है वो पिज़्ज़ा भी मंगवाया था, और ये रहा हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।